तो क्या हाल चाल भाई लोग, अपन फिर से आ गया। सबका दिमाग खाने, भेजा खाने और वाट लगाने। अबे कॉल कट नहीं किया आज तूने। तो भाई लोग, ये आप देख सकते हो स्लॉट लिस्ट है आज की। जो टीम्स हैं उनकी स्लॉट अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है उनमें से ही टीम्स हैं। रोक रोक के एक एक टीम के स्लॉट को चेक कर लेना चाहिए, नो इश्यू। और ये देखो कुड़िए, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। धूम धड़ाका। मेरे मैनेजमेंट के बंदे के ओके, रिप्लाई दे दिया। चलो तो भाई लोग, अभी आए हैं भैया 63 प्लेयर्स। टीम्स थोड़ी देर बाद बता चलेंगी, तो टीम्स भी बाद में बता दूंगा मैं। 63 प्लेयर्स आर हियर। देन अभी मैं क्या करूँ, SSD रॉक्स। ओबी SSD के स्कोर को शायद तीसरा नंबर स्पॉट मिला, तो उसी वजह से इसी टीम पे बारी बारी आ रहा है हमारा कैमेरा। और लैग इशू भी आज थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि आज मेरा फोन सही से चार्ज है। तो भाई लोग, यहाँ पे अभी देखे तो प्रीमॉक्स से मिल्टा पावर की तरफ प्लेन जा रहा है, एकदम झकास प्लेन है। और प्लेन हमारे किस भाई का है आई डोंट नो, हमें पता भी नहीं करना। जिसका भी है उड़ाओ, लेके जाओ। SSD की टीम यहाँ पे उतर चुकी है, देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक झार की शिवरणी स्टेल पर यहाँ तो कोई जाने वाला भी नहीं है। मुश्किल से एक आधी टीम जाएंगे क्योंकि ऊपर का एरिया पूरा खाली रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द टीम्स रहेंगे मिलिट्री बेस्ड, नोवो, मिल्टा पावर, सेल्टर, प्रिजन, मेंशन, रिपोपका, इस एरिया में। ओके, प्रीमोस और घटका की तरफ भी थोड़ी टीम रहेंगी बट उतनी ज़्यादा नहीं। सॉरी, आंखें बंद होने लग गई थी भाई साहब। यहाँ पे क्या ही बंदे जंप किए हो भाई भाई। 17 टीम, 63 बंदे, 17 टीम्स एंड ओके 63 PLA ओके। अबे SSD रॉक्स ओपी क्या कर रहा है ब्रो? ओके, यहाँ पे देखते हैं तो मैंने पोचिंकी के अंदर दो स्कोर्स दिखाई दे रही है मेरे को एक साथ, और नोवो के अंदर दो स्कोर्स दिखाई दे रही है। मिल्टा के अंदर दो स्कोर्स हैं बट वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन घटका के नीचे के साइड यानी शिवरनी के बी सॉरी कौन सा एरिया बे, एरिया का नाम ही भूल गया मैं। घटका के नीचे की साइड और क्वेरी से थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ पे तीन स्कोर्स एक साथ हैं। टीम 15, टीम 20 एंड टीम 21, यहाँ पे तीन स्कोर एक साथ है तो थोड़ा यहाँ पे इश्यू रहेगा फाइटिंग का। एक बार जरा नोवो की तरफ चलते हैं, वहाँ पे क्या हाल चाल चल रहे हैं ए टू जेड के। यहाँ पे TX ने यहाँ पे ESM लाई को नोक किया है, वहाँ पे जरा चलते हैं। TSM और ESM लाई यहाँ पे ये रहे। ओके, यहाँ पे टीम 10 में दो ही प्लेयर्स हैं, TX सी टॉक्सिक IGL और यहाँ पे दूसरा है टी LB फंक्शन। एक को नॉक किया हुआ है सामने, दूसरे के ऊपर स्प्रे लेने की कोशिश बट पीछे भागना पड़ेगा, एमओ खत्म हो गया। इतना लॉन्ग डिस्टेंस शॉटगन से तो कोई फायर ले नहीं सकता, तो इसीलिए एमओ खत्म। तो पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए यहाँ पे बोरियत हो रही है, नींद आ रही है। यहाँ पे देखते हैं वो चिंकी के अंदर जो दो स्कोर्स हैं ESM की एंड हमारे भैया TXEC की। यहाँ पे A2Z ने एक को नॉक किया है, वहाँ पे थोड़ा चलते हैं A2Z के ऊपर। ओके, यहाँ पे भी फाइट हुई, LB को नॉक किया साहुल, साहुल ने। A2Z पे थोड़ा चलते हैं यार, वो वहाँ पे फिनिश हो जाएंगी पूरी की पूरी स्कोर। और वो फिर बोलेंगे देखा भी नहीं भाई आपने, वहाँ फिनिश भी हो गया।
सामने है गोड्स की स्क्वाड और सामने दूसरी साइड है एडवाइजेड की स्क्वाड। एक को नॉक किया हुआ है यहाँ पे इस फाइट को, दूसरी साइड यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। दूसरे एक को क्लियर किया है यहाँ पे एडवाइजेड ने, दूसरे को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश। रिस वाइट यहाँ पे आई थिंक नहीं बचेंगे, एडवाइजेड अजय यहाँ पे रिस वाइट को क्लियर कर दिए हैं। चार बंदे यहाँ पे एडवाइजेड के हैं और दो बंदे यहाँ पे गोडेज के। 2v4 यहाँ पे फाइट हो रही है गोडेज वर्सेज यहाँ पे। बीलेक्स कुक को भी यहाँ पे नॉक किया गया, वहाँ पे भी थोड़ी देर में चढ़ेंगे। एस बोट यहाँ पे देखते क्या कर रहे हैं, इनिंग साइड से अंदर से पीछे की साइड मूव करते हुए भाग रहे हैं कि फाइट लेंगे। एडवोजेड के यहाँ पे फाइट हुई, दिल को नॉक किया रहे इनने यहाँ पे, बोट भी नॉक हुए। अनुज यहाँ पे अकेले 1v3 कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे अनुज पे दो बंदे एक साथ आते हुए, एक बंदा जिनमें से लो है। हिप हॉप यहाँ पीछे की साइड से आते हुए, गलत टाइम पे रिलोड अनुज का। और भाई साहब यहाँ पे गोड्स की पूरी स्क्वाड यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। बिलेक्स कूप की तरफ थोड़ा चलते हैं, बिलेक्स कूप को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। बिलेक्स कूप है कहाँ, बिलेक्स की टीम के दो ही बंदे बचे हैं यहाँ पे। टीम 19 से जिनकी फाइट हो रही है भाई, दोनों भी क्लियर हो गए भाई। बिलेक्स की पूरी पूरी टीम क्लियर कर दी टीम F1 ने। क्या ही ओपी खेलती है भैया F1, मक्खन गलती है वीडो। सॉरी थोड़ा इमोशंस में बह गया था, बट क्या करें, करना पड़ता है लड़ले, करना पड़ता है। अभी थोड़ा चलते हैं अपन दूसरी कोई सी फाइट पे। आई थिंक ये सब ने भी थोड़ा तबीयत खराब हो रखा है यार। ये सब ने भी यहाँ पे कोचिंग की क्लियर कर दिया, नाइस। और यहाँ पे अभी देखते हैं टीम 19 की फाइट होती है कि नहीं, टीम 19 की टीम 6 के साथ फाइटिंग होती है कि नहीं, क्योंकि टीम 6 आई थिंक जो ब्रिज कैंप करने पहुंच चुकी है। बीड़ी की पूरी पूरी डायनेमिक और गोस्ट दोनों ड्रॉप ब्रिज कैंप करने पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दो प्लेयर इस साइड, दो प्लेयर उस साइड, बीच में मारेंगे भैंस। क्या ही भाई, क्या ही बंदे ये। बोला एक तू ले ले उनमें से। वाओ, एक गाड़ी लगाई स्किन उतार दी, दूसरी गाड़ी लेके चले गए, क्या बात है। या पेड़ था क्या, मैं बोला सोचा स्क्रीन उतार दी। देखते हैं यहाँ पे और कौन सी टीम पास है। यहाँ पे मिलिट्री बेस वाला भी ब्रिज कैंप कर दिया गया है टीम 21 के लिए। आई थिंक ब्रिज कैंपिंग सही है, क्योंकि रेड जोन को देखते हुए ये मिलिट्री बेस के पास में ये ब्रिज बनेगा सोसनोवा के साइड। तो आई थिंक दिस कैंप इज ए नाइस ऑप्शन, बट ये दिस कैंप कर नहीं रही शायद इसको। ओके, अभी यहाँ पे कोई टीम फाइट नहीं दे रही है। टीम 13 का बंदा यहाँ पे आई थिंक कार ढूंढने के लिए अकेला दूर जाते हुए। ओके, जो भी रहेगा देखते हैं। यहाँ पे टीम 20 भी ब्रिज क्रॉस करके आ चुकी है। टीम 6 मिलिट्री बेस वाले ब्रिज की साइड पहुंच रही है। जोकर की टीम के पास यहाँ पे टीम BD डायनेमिक BTC यहाँ पे पहुंचते हुए, आई थिंक उन्होंने जोकर की कार वहां पे स्पॉट की। नाइस, उन्होंने स्पॉट कर लिया कि वहाँ प्लेयर्स हैं। आई थिंक जोकर किंग को उन्होंने स्पॉट किया, वो जोकर किंग दिखाई दे चुके हैं उनको क्लियर। कार्स भी यहाँ पे दिखाई दे चुकी है भाई, जोकर किंग तेरे स्क्रीन में दिख रहा है लाडले यार। उसकी स्क्रीन में जोकर किंग क्लियर दिख रहा था, उसने आई थिंक स्पॉट नहीं किया था। आई थिंक ये लोग मैसिन नहीं करेंगे, थोड़ा दूर रुकेंगे। BTC जोकर्स के साथ यहाँ पे फाइट रहेगी टीम 6 की, जल्दी ही देखने को मिल सकती है। जोकर्स ने यहाँ पे फायर लिया, जोकर किंग ने यहाँ से फायर दिया। BTC टपाटप को यहाँ पे आई थिंक स्पॉट कर लिया है। और जोकर, अबे भाई ये बंदे कर क्या रहे हैं वहाँ, ओपन क्यों रुके हुए हैं वहाँ, पता था वहाँ गलत फंसेंगे ये लोग। यहाँ पे क्लियर करेंगे, जोकर एजेक्शन को नॉक किया, एक प्लेयर को नॉक किया है यहाँ पे BTC ने। उनका खुद के एक प्लेयर डाउन है, दूसरा लो हेल्थ है।
आज उनके सभी प्लेयर लो हेल्थ है, पर एक प्लेयर डाउन है विथ लो हेल्थ। जोकर के ऊपर यहाँ पर स्मोक्स नेट पहुँचते हुए किंग की तरफ, और M16 के साथ यहाँ पे भाई दूसरे प्लेयर्स भी। क्रिया सेम्स देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या यहाँ पे रहता है। यहाँ पे भैया BTT के एक बंदे डाउन था, गोस्ट उसको रिवाइव मिल गया है। यहाँ पे निकलना चाहिए आई थिंक इनको। जोकर के कार्डियर यहाँ पे फ्लैंक कर चुके हैं और भाई बहुत गलत जा रहे हैं आई थिंक। अगर पीछे वाला इनको सपोर्ट करते तो क्लियर कर सकते हैं। BTC को यहाँ पे स्पॉट किया, नॉक किया यहाँ पे आई थिंक। BTC के दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे स्नॉक करें। डायनोपिक को यहाँ पे नॉक किया हुआ है, टपाटप को स्पॉट किया, टपाटप को यहाँ पे नॉक किया। कार्ड है यहाँ पे डाउन है यहाँ पे। किलर बॉय ने यहाँ पे प्रिया सेम को भी डाउन किया यहाँ पे, टपाटप को यहाँ पे जोकर किंग ने क्लियर किया। यहाँ पे टीम 8 भी पहुंच चुकी थर्ड पार्टी के लिए। टीम 8 ने यहाँ पे किल निकाले, टाइगर्स ने यहाँ पे किल निकाले। टाइगर्स ने यहाँ पे जोकर के एक प्लेयर को क्लियर किया, दो प्लेयर को आई थिंक क्लियर किया। BTC के प्लेयर यहाँ पे रिवाइव देने के लिए पहुंचे और उनको भी गजब यहाँ पे शॉट दिए टाइगर्स ने। टाइगर्स को थोड़ा देखते हैं, रस को देखते हैं। भाई ओपी नेट चलती गाड़ी से भी क्या ही था, अगर थोड़ा लेट फेंकता तो पूरा आगे तक पहुंच जाता है इसका नेट। स्वैग यहाँ पे नॉक है टाइगर्स के, टाइगर डेडाई अकेले यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। एक को नॉक किया, दूसरे को क्लियर किया विथ नेट, क्या ही नेट था डेडाई का। यहाँ पे टाइगर के दूसरी साइड से दूसरे प्लेयर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जोकर्स के भी PSM अकेले बचे हुए हैं जोकर के, और टाइगर्स की पूरी टीम इनके सामने खड़ी है। एक को डाउन किया PSM ने यहाँ पे, अब यहाँ पे PSM को क्लियर कर दिया गया है। टाइगर्स की पूरी स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे डाकू सी ने भी यहाँ पे ASM के प्लेयर को क्लियर किया। देखते हैं यहाँ पे डाकू सी की स्क्वाड के कितने किल हो चुके हैं यार, वहाँ पे फाइट क्या चल रही है। आई थिंक इनकी फाइट ब्रिज के दूसरी साइड चल रही है। यस, डाकू की साइड दूसरी साइड चल रही है। दो किल्स ये निकाल चुके हैं, पूरा क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं और कहीं फाइट चल रही है। टीम 19 की आई थिंक फाइट चल रही है, वहाँ पे थोड़ा चलते हैं। F1 के बंदों की टीम 18 के साथ इनकी फाइट चल रही है। F1 आर्यन यहाँ पे डाउन है। K9 ओके, K9 18 की टीम राइट चल रही है। K9 डेविल OP यहाँ पे सामने है। आर्यन यहाँ पे डाउन है, उत्कर्ष यहाँ पे लो हेल्थ है। क्या रहता है यहाँ पे आर्यन का यहाँ पे। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल इशू। ओके, अभी वापस अपन गेम प्ले पे आते हैं। देखते हैं F1 के मैड डॉग भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और थोड़ी आवाज़। ओके नाइस, यहाँ पे देख F1 के दो प्लेयर्स डाउन है और यहाँ पे F1 के नीचे उनको रिवाइव देने जा रहे हैं। सामने से यहाँ पे टीम 18 के प्लेयर यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मेरे को थोड़ा लो स्क्रीन में दिखा रहा है, गेट तोड़ के रिवाइव दे रहे हैं अभी भी F1 के प्लेयर। और यहाँ पे भैया K9 के प्लेयर स्प्रे दिया है, KM के स्प्रे से एक को डाउन किया, नेड किया सामने, बट नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी आई थिंक रस कर देना चाहिए K9 के प्लेयर को, तभी वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं K9 की टीम यहाँ से निकल पाती है कि नहीं, या फिर यहाँ पे F1 की टीम बच के निकलती है, वो देखने वाली एक चीज़ होगी। अगर तीनों प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, एक प्लेयर की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। हेलो किल, हेलो, मैड डॉग यहाँ पे हीलिंग लगा रहे हैं और यहाँ पे आई थिंक टीम 18 ने अपने प्लेयर को अभी तक रिवाइव नहीं दिया। टीम 18 का प्लेयर पीछे की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे, और मेरे को थोड़ा नाम कम दिख रहे हैं क्योंकि मैं अभी ये काइन मास्टर के अंदर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और बिकॉज ऑफ काइन मास्टर मेरे को थोड़ा स्क्रीन भी छोटा दिख रहा है।
और मेरे को अब ये तुम भी नहीं एड पसंद स्कॉट आ रहा नहीं है क्या देखोगे करूँ यहाँ यार, पे। तुम्हारा एयरड्रॉप के सामने ऊपर से एक टीम की निकलोगे। फाइट चल रही है, टीम 13 ESM के साथ किसी टीम की आई थिंक फाइट चल रही थी। अभी कहाँ अभी उन्होंने यार, क्लियर किया है उस टीम को। और यहाँ पे देखी जाए तो भैया ऑल पे भी कोई बकर चल रही है। RIP एटीट्यूड क्वीन ने आई थिंक किसी को नॉक किया, वहाँ पे चलते हैं। RIP एटीट्यूड क्वीन पे वन डाउन किया सामने वाले प्लेयर्स का एटीट्यूड क्वीन। अबे साउला राउंड और में कर यहाँ लेते हैं पे आके। ए टू जेड अजय आई थिंक सामने मेरे को स्पॉट हुए हैं। मैं तो बॉडी और दे भैया दे क्या ही यार। कार नीचे वाला पकड़ रही है भाई, क्या ही कार नीचे अबे तो यार पकड़ रही है, क्या पेटी ने कहाँ बोलूँ बनी मैं है इनके भाई, बारे इनके में। पीछे आ गए थे अभी यार। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है अबे एटीट्यूड एक दो क्वींस शॉट की तो दे टीम यहाँ सकते से हैं ना निकलती अपने। है। एटीजेड की टीम, क्योंकि ए टू जेड के यहाँ पे आई थिंक दो ही प्लेयर बचे हुए अबे हैं। टीवी टू करो वी अभी फोर टीवी ने सिचुएशन आई यार, थिंक, नहीं अबे थ्री तू वी मतलब फोर बॉडी थोड़ा कर सिचुएशन है लेगा। भाई साहब। हार्टलेस यहाँ पे क्या है, ये ओपन में एकदम स्नेक स्नेक गेम चल रही है। थोड़ा आप वहीं एक को स्पोर्ट कर सकती हैं अपने साथ अजय को। यहाँ पे पीछे की तरफ एक किल डाउन किया गया एडिशन का, और यहाँ पे केयरलेस नॉकडाउन बाई डीएल, क्या ही ओपन प्लेयर है भाई। एजे 1 HP बचे हुए हैं, हार्टलेस जस्ट उनके सामने है। एजे को के ऊपर नेड करने का ट्राई, एजे पीछे की तरफ सटते हुए हार्टलेस को यहाँ पे बेल डीएल ने नॉक किया। केयरलेस को यहाँ पे क्लियर किया गया है। आई थिंक केयरलेस अभी किल नहीं है। हाँ, हार्टलेस डाउन है, केयरलेस किल नहीं है। क्वीन अकेले बचे हुए हैं, और यहाँ पे देखते हैं डीएल क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे कि नहीं। क्वीन लास्ट अपनी टीम से, RIP की टीम से क्वीन लास्ट बची हुई है। डीएल ने नेड्स किए, यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है। नेड्स करते हुए डीएल यहाँ पे एक नेड के साथ निकाला, यहाँ पे क्वीन का किल भी निकला, और यहाँ पे पूरी पूरी RIP टीम RIP हो चुकी है भाई। क्या ही ओपी खेला डीएल, क्या ही नेड्स भाई, मतलब नो वर्ड्स फॉर दैट नेड्स। आई थिंक यहाँ पे टाइगर्स की टीम है सीधा रस्ट करते हुए, उनको पता है कि ऊपर की साइड बंदे नॉकडाउन है, और टाइगर्स की टीम भाई सीधा रस्ट ठोकते हुए डीएल की टीम को यहाँ पे संभालने की जरूरत है। जो भी ए टू जेड की जो टीम है उनको संभालने की जरूरत है यहाँ पे, और उनको सपोर्ट की भी जरूरत है। ए टू जेड अजय ने यहाँ पे टाइगर्स के वन प्लेयर को यहाँ पे एक नेड से खत्म किया, दूसरे प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया। क्या ही ओपन नेड था भाई, अजय भाई क्या ही ओपन नेड कर रहे हैं आज। टाइगर स्वैग यहाँ पे सपोर्ट हुए हैं, उनके पास जस्ट यहाँ पे टाइगर्स के एक प्लेयर डाउन पड़े हैं, डेड आई जिनका नाम है। और भाई क्या ही स्मोक मोली नेड सब फेंक दिया गया है आगे। क्या यहाँ पे अजय सपोर्ट कर पाएंगे, अजय यहाँ पे ओपन पे आते हुए, रोइन यहाँ पे साइड्स पे आते हुए डीएल रोइन, और यहाँ पे आई थिंक डीएल रोइन को सपोर्ट कर लिया स्वैग ने। स्वैग सपोर्ट करके फायर लेने की कोशिश, बट अजय का कवर आते हुए यहाँ पे स्वैग को, क्या ही ओपी कवर। बट पीछे से यहाँ पे स्वैग टाइगर्स के बंदे ने यहाँ पे डाउन किया, प्रिंस ने यहाँ पे ए टू जेड अजय को डाउन किया। और आई थिंक यहाँ पे अजय रिवाइव हो जाएगा, वो पीछे की तरफ रिवाइव के लिए पहुँच चुका है डीएल के पास। बट यहाँ पे आई थिंक टाइगर्स वाले लेट कर रहे हैं रिवाइव के लिए, इनको स्मोक के अंदर ही रिवाइव कर लेना चाहिए था। अब यहाँ पे ए टू जेड की टीम शायद रस कर सकती है सीधा ओपन, जैसे उनका बंदा रिवाइव रहता है। देखते हैं कौन सी टीम पहले रस करती है, क्या यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं। और यहाँ पे आई थिंक टीम ने नेड किया, ओपी नेड, बट आई थिंक अजय रिच के नीचे की साइड जा चुके, तो उन तक नेड पहुँचना इजी नहीं रहेगा। डीएल रोइन दूसरी साइड पहुँचते हुए, और प्रिंस वाइटी भी उनके लिए दूसरी साइड वहाँ पे फ्लैंक करते हुए आमने सामने। आई थिंक रोइन को प्रिंस वाइटी ने सपोर्ट किया, डायरेक्ट नॉक डाला यहाँ पे। अजय यहाँ पे अकेले बचे हुए, टाइगर्स के यहाँ पे दो प्लेयर बचे हुए, 1v2 फाइट अजय के लिए। यहाँ पे अजय क्या करते हैं, क्या हैंडल कर पाएंगे या फिर डायरेक्ट फिनिश हो जाएंगे। अजय वर्सेस यहाँ पे टाइगर्स की टीम चल रही है, ए टू जेड अजय वर्सेस टाइगर्स। ओके यहाँ पे प्रिंस वाइटी ने सपोर्ट किया अजय ने, आई फ्री फायर दिया बट नो फाइट। ओके थोड़ा डैमेज दिया प्रिंस को, और यहाँ पे प्रिंस ने ए टू जेड अजय को फिनिश किया। क्या ही ओपी प्लेइंग बाई टाइगर्स की, 9 किल्स निकाल चुकी है, ओपी गेम प्ले बाई टाइगर्स। स्वेग यहाँ पे जिंदा है, लूटो भाई। अब अपन कहीं और चलते हैं, फाइट्स जहाँ पे चल रही है वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। आई थिंक फाइट्स अभी कहीं पर नहीं चल रही है, बट ऐसे ही किसी रैंडम को देखना तो पड़ेगा। तो चलते हैं भाई टाइगर्स को, तो की तो अभी भी फाइट खत्म हुई तो वो तो लूटेंगे आराम से। 10 किल्स के साथ यहाँ पे टाइगर्स हैं, ओपी गेम प्ले भाई टाइगर्स का। और यहाँ पे डेमोन को मैं देख रहा हूँ, क्या ही यार ये तितरपंखी पहने हुए डेमोन भाई हमारे यहाँ पे मेरे को शो हो रहे हैं। और यहाँ पे 2v स्क्वाड खेलते हुए हैं निजी की टीम, क्या ये टीम अभी कुछ कर पाएगी 2v स्क्वाड में, वो भी इनवाइटेड। मतलब सामने वाले हर प्लेयर के पास यहाँ पे 4 प्लेयर्स का दम है,
एक बिस्कुट में चार बिस्कुट का दम टाइप। और यहाँ पे एक और स्नैक गेम हेयर को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टीम 9 पूरी पूरी यहाँ पे स्नैक बन के लेटी हुई है, और टीम 14 पता नहीं कौन से आइलैंड में फंस के बैठी है, क्या कर रही है इस आइलैंड पे ये टीम, आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल होल्डिंग के लिए सही है। और जोन भाई क्या ही जोन घूमा है, कहाँ मिलिट्री बेस के ऊपर जोन बनने का सोच रहे थे और कहाँ सिवर्नी के ऊपर जोन बन गया, सॉरी फेरी पैर के ऊपर, सिवर्नी तो बहुत ऊपर रह गया, सिवर्नी के ऊपर बनने में तो पानी में चला जाएगा, माई मिस्टेक। एलएस की टीम यहाँ पे आई थिंक जोन क्रॉस करेगी, ऊपर टाइगर्स की टीम है, आई थिंक वो टीम इन पे फायर लेगी, टाइगर्स की टीम एलएस के बंदों पे, और एलएस की टीम यहाँ पे जोन क्रॉस करते हुए और यहाँ पे फायर पड़ा गई टाइगर्स का, एलएस को गाड़ी पूरी डैमेज कर दी गई है, बट एलएस अभी निकल चुकी है कवर के लिए। और गोवरस तो क्या ही टीम है यार, लॉर्ड सोल की टीम, ओपी गेम प्ले बट हर एक मैचेस में, और टाइगर्स जो आज नए आए हैं बट गेम प्ले काफ़ी हार्ड है बंदों का, अभी मेरा क्या है कि सांस फूल जाता है ज़्यादा लंबा बोलता हूँ तो। नेड कुक किए हुए यहाँ पे ESM, यहाँ पे देखते हैं भाई ESM कैसे निकालते हैं, 1v3 सिचुएशन है, सॉरी 1v4 है, ये लॉर्ड सोल की पूरी टीम है, बट यहाँ पे 1v2 आई हुई है, सॉरी 2v2 आई हुई है ESM के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं क्या गेम प्ले रहता है, एक को यहाँ पे नॉक डाउन किया था, आई थिंक पूरा फिनिश करके आए थे ESM के प्लेयर को, ESM ने लॉर्ड सोल के एक प्लेयर को डाउन किया था, लवी यहाँ नीचे जंप किया नाइस, और यहाँ पे आई थिंक पीछे की साइड एक प्लेयर इनको स्पॉट हो चुका है, क्या करते हैं देखते हैं। 1v1 फाइट होते हुए पीछे से यहाँ पे ESM का दूसरा प्लेयर आते हुए डायरेक्ट नॉक किया, और आई थिंक फिनिश करेंगे, यस फिनिश किया भैया लॉर्ड सोल टॉक्सिक को यहाँ पे, क्या ही ओपटा यहाँ पे साहुल का, क्या ही ओपी कवर भैया लवी को, ओपी गेम प्ले लवी एंड साहुल, नाइस गेम प्ले। अब यहाँ पे देखते हैं लवी और साहुल की टीम क्या करती है, क्योंकि लॉर्ड सोल के अभी भी दो प्लेयर इनके आसपास है, और यहाँ पे लॉर्ड सोल के बंदे यहाँ पे नेड करने का ट्राई करते हुए आई थिंक, बट कोई नहीं हटेगा, सॉरी यहाँ पे आई थिंक अभी इनके नेड आया है लॉर्ड सोल के प्लेयर पे, लॉर्ड सोल का प्लेयर नेड से डायरेक्ट नोक हुआ, ओपी यहाँ पे वीपर लास्ट बचे हैं, और आई थिंक लवी और साउल ने वीपर को सपोर्ट कर लिया है, ग्रोजा से फायर लिया है, कवर फायर के लिए कॉल दिया आई थिंक, और सीधा रस करते हुए लवी यहाँ पे पीछे से कवर फायर मिलते हुए इनको साहुल का, और आई थिंक लवी ने सपोर्ट कर लिया है, इधर को डैमेज दिया एंड क्लियर लॉर्ड सोल की पूरी पूरी टीम 2v4 करते हुए यहाँ पे ESM की टीम, एंड लवी अकेले ने यहाँ पे 3 किल निकाले, क्या ही ओपी गेम प्ले हमारे लकी भाई, सॉरी लवी भाई का, लकी भाई याद आ रहे हैं मेरे को, एंड क्लब फॉर लवी एंड कीप कमेंटिंग ESF लवी ओपी इन दी चैट गाइस, क्या ही गेम प्ले निकाला यहाँ पे लवी ने। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइगर्स की टीम यहाँ पे पानी के अंदर से निकलती हुई, और आई थिंक टीम 14 उनको सपोर्ट कर चुकी है, बट ढूंढने का प्रयास करते हुए जो कि नाकाम रहने वाला है, क्योंकि टाइगर्स को आज तक भैया कोई नहीं सपोर्ट कर पाए, ये तो है ही कौन, और यहाँ पे टाइगर्स वे चुपचाप धीरे धीरे छुपे छुपे जोन में जाने का प्रयास करते हुए, और आप लोग सोचोगे मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, हाँ यार मैं भी धीरे क्यों बोल रहा हूँ, छुपके तो ये जा रहा है। और यहाँ पे प्रिंस वाइटी भी दूसरी साइड से जोन इनिंग करते हुए, आई थिंक प्रिंस वाइटी पहुँच जाएंगे, बट स्वेग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शिवा स्वेग को सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए, आई थिंक पानी के अंदर जाना चाहिए, थोड़ा आगे जाएंगे तो स्पोर्ट हो जाएंगे, बट थोड़ा डिले कर दिया। यहाँ पे आई थिंक टाइगर्स के प्लेयर जोन इन कर चुके हैं, देखते क्या रहता है यहाँ पे, हाँ यस यहाँ पे स्वैग जोन में पहुँच चुके हैं, और अपने प्रिंस वाइटी भाई को स्वैग कवर दे सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं शिवा भाई क्या करते हैं, शिवा भाई आई थिंक वापस जाएंगे, और ये जो अपनी टीम 14 है इनको जोन इनिंग भी करनी है, तो वो भी एक टेंशन है इनके लिए, क्योंकि जोन बहुत गंदा काटा भाई सबका, क्या ही गंदा काटा है। और यहाँ पे ESM की स्क्वाड को भी जोन इनिंग करनी है, NEG की टीम को भी जोन इनिंग करनी है, टीम 3 एंड टीम 9 ऑलरेडी जोन इन कर चुके हैं, और एक टीम तो ऑलरेडी पहले से जोन में थी। बट यहाँ पे से टीम 14 एंड टीम 8 में से जो टीम पहले निकलेगी उस टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम, या तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर पहुँच गई तो ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगी। यहाँ पे BR की बोट एक बार तो लगा जैसे फंस गई, पर यहाँ पे BR की बोट आई थिंक निकल चुकी है, अभी ये लोग जोन के लिए निकलेंगे। ओके यहाँ पे गलत
गलत गलत गलत गलत चढ़ेगी ऊपर, चढ़ गई। गलत सीन्स यहाँ पे, आई थिंक बीआर को तैर के जाना पड़ेगा। बट आगे यहाँ पे प्रिंस व्हाइट ही भैया किनारे पे पहुंच चुके हैं और जॉन भी चल चुका है, तो दोनों साइड से इनकी वाट लग गई है। अगर किनारे पे पहुंचे तो प्रिंस भाई आगे खड़े हैं, और अगर पानी में रहे तो जॉन आगे है। मतलब दोनों साइड से इनके तो एल लग गए हैं। यहाँ पे स्वैग भाई भी आई थिंक यहाँ पे जॉन इन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखते हैं टाइगर्स जॉन इन कर पाते हैं कि नहीं। मेरी गारंटी है कि टीम 14 तो जॉन इन कर नहीं पाएगी, बट टाइगर्स भी जॉन इन कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे प्रिंस भाई थोड़ा सा रुके, M24 से स्पोर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन कोई मिला नहीं, तो चढ़ते हुए वापस जाते हुए अपने वहाँ पे। अभी ये ऊपर जा चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेप्स लेते हैं। M4 हाथ में लेके भागते हुए सामने इनको जाना है सीधे जोन में, काफ़ी दूर है जोन। आई थिंक एक प्लेयर को नॉक किया है, यस एक प्लेयर को डायरेक्ट फिनिश किया है ब्रिंज ने, एक को सपोर्ट किया था जिसको शिवा को आई थिंक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक शिवा सपोर्ट नहीं हुए। बट यहाँ पे इसका प्लेयर सपोर्ट हुआ एंड कपिल को यहाँ पे क्लियर किया प्रिंस भाई ने यहाँ पे, और शिवा भी लो हेल्थ है तो शिवा भी जोन से क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। क्या ही ओपी गेम प्ले यहाँ पे, क्या ही ओपी गेम प्ले प्रिंस भाई। बट क्या प्रिंस भाई जोन में पहुँच पाएंगे, यहाँ पे टाइगर्स उनकी स्क्वाड जोन में पहुंच पाएंगे, वो देखने वाली सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने हीलिंग लगा ली है जोन की तरफ भागते हुए अंधा यहाँ पे, लेकिन सामने मेरे को एनर्जी की स्क्वाड दिखाई दे रही है, ये गंदा फंसा सकती है। यहाँ पे जूस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, डेमोन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक सेक के अंदर होल्ड किए हुए बैठे हैं। सामने टीम 3 है, टीम 9 है, टीम 22 के सॉरी टीम 13 है, और पीछे से यहाँ पे चोरी चोरी चुपके चुपके टीम 8 भी पहुंच चुकी है। टाइगर्स की टीम, टाइगर के स्वेग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, स्वेग ही नाम है ना, हाँ स्वेग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, प्रिंस वाइटी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आई थिंक यहाँ पे स्वेग जोन इन कर चुके हैं। ज्यूस को सपोर्ट किया, डैमेज दिया, बट ज्यूस बच के यहाँ पे 10 है 5 to 10 HP, और यहाँ पे आई थिंक डेमोन इनको सपोर्ट नहीं हुआ, डेमोन ने अचानक इनको धप्पा किया, स्वेग को नॉक किया एंड डायरेक्ट क्लियर किया टाइगर्स की पूरी टीम को। यहाँ प्रिंस वाइटी भी क्लियर हो चुके हैं, 2 किल्स अपने डेमोन भाई के खाते में। क्या ही ओपी यहाँ पे अचानक बोलते ना सरप्राइज टाइप। और यहाँ पे ESM की फाइट टीम 9 के साथ चल रही है, और यहाँ पे देखते हैं भैया ESM के बंदे क्या करते हैं। साहुल भाई यहाँ पे क्या करते हैं, 4v1 सिचुएशन है, 4 बंदे इन पे चढ़ते हुए, एक को डाउन किए संदीप को, सेकंड को डाउन किए यहाँ पे, बट यार किल्ड हो गए 2 प्लेयर, लेकिन इन्होंने डाउन किए शील्ड के मोनू को डाउन किया था, एक और को भी डाउन किया था। और यहाँ पे देखो तो SSD की भी फाइट यहाँ पे चल रही है टीम नंबर 19 के साथ, और यह भी देखने वाली फाइट है कि सामने यहाँ पे F1 की स्क्वाड है और यहाँ पे SSD, दोनों ही बहुत OP स्क्वाड्स है। और यहाँ पे आई थिंक SSD अपने प्लेयर को बचाने के लिए चाहेंगी 4 TP या VP करके जो भी वो बंदा है, रिवाइव दिया। और यहाँ पे शील्ड की स्क्वाड भी यहाँ पे लूट वाट के निकल चुकी है, शील्ड के 2 प्लेयर डाउन हुए थे, स्पाई यहाँ पे डाउन हुए थे आई थिंक, और मोनू यहाँ पे डाय स्पाई और मोनू डाउन हुए थे, बट अभी ये रिवाइव हो चुके हैं। और वहाँ पे टीम 3 एंड 19 की फाइट हो रही है, और टीम 3 को अभी जोन इनिंग करनी है, बट उनके सामने यहाँ पे F1 की पूरी स्क्वाड कैंप करके बैठी है या होल्ड करके बैठी है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप इनवाइटेड में खेलते हो तो कैंपिंग एक होल्डिंग में बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे भाई आप अपना सेफ रहना जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। ज्यूस की टीम अभी भी होल्ड करते हुए, एनर्जी की पूरी पूरी टीम होल्ड करते हुए, नाइस डिसीजंस। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, प्ले जोन से एक प्लेयर डाउन हुआ, और यहाँ पे अल्फा ओपी अंदर घुसते हुए एक को नॉक किया, दूसरे F1 के दूसरे प्लेयर ने यहाँ पे अल्फा ओपी को डाउन किया, डायरेक्ट क्लियर किया यहाँ पे F1 का लास्ट प्लेयर बचते हुए, और यहाँ पे एक और रॉक ओपी को यहाँ पे डाउन किया F1 के प्लेयर ने। उत्कर्ष वर्सेज यहाँ पे रॉकी की फाइट है, अगर यहाँ पे उत्कर्ष बचते हैं तो F1 की पूरी टीम उठेगी, और रॉकी बचते हैं तो पूरी टीम उठेगी, बट यहाँ पे उत्कर्ष ने क्लियर किया। और भाई गलत साइड भागते हुए उनको दिखाई नहीं दिया आई थिंक कि जो नंबर 2 है उसकी हेल्थ बहुत लो है, पहले उनको उनकी साइड जाना चाहिए था, मैड डॉग की साइड वो गलत आए, बट कोई नहीं। RIP, ये क्या नाम है, F1 के जो भी है नंबर 2, आप लोग देख लीजिएगा नाम, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है। यहाँ पे देखते हैं भैया टीम शील्ड भी सीधा घुसते हुए यहाँ पे कंपाउंड के अंदर,
सीधी घुसते हुए आ रही है। पता नहीं क्या इनको घुस गया है भाई माइंड में, सीधा रश किया कार्ड होती। और यहाँ पे F1 के प्लेयर को स्पॉट किया, ग्रोजर से नॉक किया यहाँ पे इस प्लेयर ने। क्या ही ग्रोजर चला रहा है बंदा, डाउन एंड ख़त्म यहाँ पे भाई। आई थिंक मैड डॉग को यहाँ पे स्पॉट किया, थोड़ा डैमेज दिया मैड डॉग बाहर की तरफ भागते हुए। यहाँ पे स्प्रे एंड मैड डॉग की प्रेजर फाइट यहाँ पे दिया मैड डॉग ने, बट बाहर की साइड से यहाँ पे टीम के दूसरे प्लेयर उनको क्लियर कर दिए हैं DP के साथ। अब यहाँ पे 4v2 फाइट है एनर्जी के लिए। और यहाँ पे देखते हैं भैया चिकन डिनर कौन निकालेगी। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे शील्ड के हैं क्योंकि एडवांटेज उनके पास है, उनके पास जोन है, उनके पास साइड में हाइट एडवांटेज है और उनके पास प्लेयर एडवांटेज तो ऑलरेडी है, 4 प्लेयर्स वर्सेस 2 प्लेयर। बट अगर वो हेड एडवांटेज के लिए जाते हैं तो बीच में ओपन एरिया और वहाँ पे अगर एनर्जी 1-2 को किल निक कर देती है तो एनर्जी के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो वो देखने वाली एक सिचुएशन रहेगी। आई थिंक शील्ड की टीम हाइट एडवांटेज के लिए जाएगी, और अगर वो जाएगी तो उनको ओपन एरिया क्लियर करना पड़ेगा। सॉरी मैं वो कमेंट्स देख वो सॉरी नोटिफिकेशन देखने लग गया था। और यहाँ पे शील्ड की टीम ऊपर की साइड यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए भाई इतनी देर जो है कोई नहीं रहता। और यहाँ पे थोड़ी आवाज़ डिले हो गई मेरी, बट कोई नहीं। यहाँ पे शील्ड की टीम सपोर्ट करते हुए एक साइड में, और आई थिंक हाइट एडवांटेज के लिए कवर बना रहे हैं। येस आई एम राइट, हाइट एडवांटेज के लिए ही कवर बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जोन से बाहर हो चुके हैं लोग। 11 मीटर इनको जोन में जाना पड़ेगा। और शील्ड की टीम यहाँ पे निकलते हुए यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है एनर्जी की तरफ से, इनको प्रस्पेक्टिव उनका देखते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी वाले बंदे क्या कर रहे हैं। एनर्जी जूस यहाँ पे डैमेज दिया, कौन है वो पता नहीं, संदीप नाम आया थोड़ा थोड़ा और डैमेज किया। और यहाँ पे भैया एनर्जी ने यहाँ पे अनुज को डाउन किया एंड क्लियर किया एनर्जी जूस ने अनुज को। नाइस गेम प्ले, 3v2 फाइट हो चुकी है यहाँ पे भैया। बट जूस यहाँ पे ओपन लेटे हुए, अगर स्पोर्ट होते हैं तो बात लगती है कि संदीप को कैसे डैमेज किया। नाइस जूस भाई, क्या ही खेल रहे हो यार जूस ब्रो, गजब गजब गजब। एनर्जी की यहाँ पे 3v2 फाइट, और यहाँ पे देखने वाली सिचुएशन है कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन डिनर निकालती है। सामने 3 बंदे ओपन में लेटे हुए, इधर 2 बंदे ओपन में लेटे हुए, और अगर अपन ऊपर से देखें तो क्या ही भैया स्नेक गेम प्ले हो रहा है। पर यहाँ पे संदीप के पास कवर है, बट संदीप के पास कवर तो है लेकिन जोन नहीं है, उनको थोड़ा जोन में जाने की ज़रूरत है। और आई थिंक उनको ज्यूस और डेमो यहाँ पे अभी तक स्पॉट नहीं हुए हैं। और यहाँ पे संदीप 247 देखते हैं क्या करते हैं, और यहाँ पे शील्ड की टीम क्या करती है, क्योंकि जोन फेवर में भैया एनर्जी के ऑलरेडी जा चुका है। संदीप यहाँ पे स्मोक करते हुए, बट गलत साइड गलत डिसीजन में, यहाँ पे उनको प्रोन होना चाहिए था। और शॉट पड़ेंगे तो पड़ेंगे, और नॉक डाउन भाई संदीप भैया हमारे। अब देखते हैं कि शील्ड के टॉप होंगे और सामने एनर्जी के टॉप होंगे, 2v2 फाइट तो क्या रहता है, कौन सी टीम जीतेगी, किसको क्या लगता है। जूस यहाँ पे स्मोक करते हुए डेमोन को आई थिंक यहाँ पे नॉक कर दिया था, ये हो डेमोन को किसी ने नॉक किया था, बट डेमोन बहुत लो है इसकी यहाँ पे डेमोन। और पीछे की साइड से डेमोन पे फायर भी आते हुए, बुलेट लगी डेमोन को, और डेमोन भाई यहाँ पे भैया माइनस HP पे बचते हुए क्या ही बचे हैं डेमोन भाई। एनर्जी डेमोन OP भाई क्या ही बचे हैं भाई, क्या ही बचे। जूस OP भाई, जूस ने क्या ही सही टाइमिंग भाई, क्या ही सही टाइमिंग पे कवर स्मोक है। एक प्लेयर ओपन आते हुए नॉक हुआ, उसको अपने प्लेयर को उठाना चाहिए था, गलत डिसीजन, डायरेक्ट किल तो होगा ही। और यहाँ पे जूस वर्सेस यहाँ पे लास्ट प्लेयर, यहाँ पे संदीप को भी जूस ने स्पॉट किया, आई थिंक पूरा फिनिश करना चाहेंगे संदीप को। एंड यहाँ पे संदीप पूरा फिनिश हो चुके हैं। लास्ट 1v2 सिचुएशन जहाँ वो 2v4 सिचुएशन थी एनर्जी के लिए, अब वो जा चुके हैं शील्ड के लिए 1v2 सिचुएशन। और यहाँ पे जूस भाई ओपन आ चुके हैं और स्पॉट हुए एंड नॉक डाउन, और जूस को कवर में जाने की नीड है। अभी स्मोक के अंदर जाएंगे आई थिंक, जूस को फिर से स्पॉट किया है यहाँ पे अमन जोश ने, और यहाँ जूस को थोड़ा डैमेज देंगे, डैमेज दिया बट सही टाइम पे यहाँ पे स्मोक खुलते हुए और जूस यहाँ पे आई थिंक बच जाएंगे। अभी यहाँ पे डेमोन वर्सेस अमन जोश सिंगल भी सिंगल हो जाएगा, अमन जोश रश करते हुए, अमन जोश ने यहाँ पे रश किया गलत साइड पर करते हुए, डेमोन भाई दूसरी साइड से निकले, अमन जोश को क्लियर किया। और यहाँ पे भैया 6 किल्स के साथ एनर्जी ने क्या ही चिकन डिनर निकाला, मक्खन चिकन डिनर, मज़ा आ गया एकदम, गजब गेम प्ले यहाँ पे जूस भाई और डेमन भाई का। एनर्जी ऑफिशियल्स OP इन दी चैट गाइज, यानी कमेंट्स में लिख दो भाई, भर डालो एनर्जी OP, क्या ही गेम प्ले था एनर्जी का, मज़ा आ गया।
और मैं भी थोड़ा थक गया, आप जाके सोएगा। गुड नाइट भाई लोग, तब तक आप लोग देख लो भाई किसने कितने किल किए थे। मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है तो बोल देना। और हाँ, मंडे से अपने वीकली स्क्रिप्ट चालू हो रही हैं जिनके थ्रू आप भैया T1 में जा सकते हो, तो रेडी रहना। जल्दी ही आपको डिस्कॉर्ड लिंक मिल जाएगा चैट के अंदर, नया डिस्कॉर्ड, सब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। बाय बाय गाइस।